नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरें, साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग के लिए आपके लिए कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD और रिसर्च हेड हैं। दिव्या गगलानी हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट हैं, और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सबसे पहले शुरुआत गोल्ड से ही करते हैं, क्योंकि गोल्ड में आज फिर से तेजी दिख रही है। एक तो कमजोर रुपए का भी असर है और एक ओवरऑल जो मोमेंटम बना हुआ है वो बरकरार यहाँ पर दिख रहा है। 73,000 के बेहद करीब MCX पर सोना है। रिकॉर्ड से देखें तो करीब 1,000 रुपए ही नीचे अभी सोने का भाव है। केडिया जी बताइए, क्या लग रहा है, गोल्ड इन स्तरों पर भी कौन खरीद रहा है? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। डेफिनेटली अच्छा सवाल है, इस स्तर पे कौन खरीद रहा है? बिकॉज रिटेल में डेफिनेटली पिछले हफ्ता 15 दिन से जब भी मैंने बात की है, सब घबराए हुए हैं, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि 50 दिन में सोने में 10,000 रुपए से ज्यादा की हम तेजी देख पाएंगे। अगर हम फिजिकल ट्रेडर्स की बात करें, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है। कल भी हमने देखा कि प्राइसेस में 1,000 पॉइंट नीचे गए और आज हम 2,000 रुपए ऊपर है वापस। तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से ट्रेडर्स तो बाहर है, लेकिन अभी भी हम दो तीन तरीके से बाइंग देख रहे हैं। एक तो सेंट्रल बैंक की बाइंग हमने पहले से देखी थी, साथ में हमने देखा कि काफी जो एक यूनिक असेट क्लास ओनर्स होते हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से लोग अपने कैपिटल को, अपने असेट को सेफगार्ड करने के लिए गोल्ड की तरफ मूव किए। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि करंट लेवल से कोई नई एंट्री जरूर होगी। हाँ, जियो पॉलिटिकल जो अभी ईरान से स्टेटमेंट आए हैं कल रात को, आज सुबह, उसके बाद हमने एक जरूर जंप देखा है। बट ये लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है रिवॉर्ड के मुकाबले। बिकॉज शुक्रवार को भी हमने देखा था, जैसे ही हिजबुल्ला का एक अपडेट आया था, मार्केट ने सर्किट लगाने के बाद हायर लेवल से 2,000 रुपए की गिरावट दिखा दी थी। तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए यहाँ पे बाइंग। थोड़ा बहुत वॉर की वजह से, एक डर की वजह से थोड़ी बहुत बाइंग जरूर हमने ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं, बट वो डर की बाइंग है, इन्वेस्टमेंट बाइंग नहीं है जहां पे आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाए। तो आई वुड से कि बेटर स्टे अवे फ्रॉम करंट मार्केट सिनेरियो, थोड़ा वेट कीजिए, हफ्ते भर में कूल ऑफ होता है, उसके बाद हम डायरेक्शन लेके काम कर सकते हैं। तो वेट कर ले ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अभी रिस्क यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर ट्रेड करने में। मार्केट को स्टेबल होने दे, फिर नए डायरेक्शन का पता लग जाए, उसके बाद आप नई ट्रेडिंग रणनीति आप बना सकते हैं। जिगर, आप क्या सलाह देंगे इस तरह के मूवमेंट में? आपकी राय क्या बन रही है ट्रेडर्स के लिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। सी, हमने ईयर टू डेट ऑलरेडी गोल्ड हो या सिल्वर हो 15-20% की रैली देख ली है, एंड डॉलर इंडेक्स वन वे रैली कर रहा है। इकोनॉमिक डेटा जो भी आ रहा है USA, उस पर अगर हम नजर डालें, डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ जो है वो जस्टिफाई कर रहा है, एंड जो इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन से वो अब डिले हो रही है, एंड इन आर ओपिनियन शायद ये साल में एक या दो ही इंटरेस्ट रेट कट आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी आगे जाके बढ़ेगा। सो इन्फ्लेशन ऑलरेडी एक स्टिकी सब्जेक्ट है फेड के लिए। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे एक या दो इंटरेस्ट रेट कट के अलावा और कुछ हम देखेंगे। डॉलर इंडेक्स की रैली कंटिन्यू करेगी, उसके बावजूद हम गोल्ड सिल्वर में रैली देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइज इन द जियोपॉलिटिकल रिस्क, लेकिन वहां पे भी डी एस्केलेशन थोड़ा बहुत हुआ है। आज की जो ये रैली है गोल्ड एंड सिल्वर की, बहुत हद तक रूपी के वीक होने की वजह से रैली है, बट आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन गोल्ड पोजिशनली, लेकिन इंट्राडे में ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना भी थोड़ा बहुत रिस्की ही है। फॉर इंट्राडे ओनली आई एम गिविंग माई लॉन्ग कॉल्स इन गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड जून वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 72,800, 72,700 स्टॉप लॉस, 73,000 का यहाँ टारगेट रहेगा। सिल्वर में थोड़ा बहुत बेस मेटल्स का भी सपोर्ट है, इकोनॉमिक डेटा चाइना के भी पॉजिटिव आए हैं। सिल्वर में वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 84,150, स्टॉप लॉस शुड बी 83,800, टारगेट वुड बी 84,800। तो ये सलाह आपके लिए है, हालांकि पोजिशनली अभी कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। ये जो कॉल है इसे कैरी नहीं करना है, छोटे से टारगेट के लिए, 73,000 के टारगेट के लिए आप आज के लिए बेट लगा सकते हैं 72,700। तो एक मोमेंटम ट्रेड के तौर पर है, इसे आपको आगे कैरी करके लेकर जाना नहीं है। आप बताइए दिव्या गगलानी, आप लोग की इनहाउस कॉल गोल्ड पर क्या आ रही है, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक से हमें एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिल रहा है। लास्ट फ्राइडे को हमें रिकॉर्ड लेवल देखने मिला गोल्ड के अंदर 74,000 का, उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने मिला। प्राइसेस जो है उसके बाद काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गए। अभी एक वन वे जो मूव आया था वो अभी एज ऑफ नाउ एंड हो चुका है। पोजिशनली मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर अगर मैं जो करंट जो न्यूज फ्लो आ रहे हैं
स्टेटमेंट जो आ रहे हैं इसराइल के ओर से, उन्होंने बोला कि वो लोग रिटेलिएट करेंगे। कल तक ऐसा आ रहा था कि न्यूज की रिटेलिएशन नहीं होगा, तो उसके वजह से हमें करेक्शन देखने मिला था सोना और चांदी के उसमें। पर अभी एज ऑफ नाउ जो उनका जो स्टांस है वो चेंज हो गया है, तो ट्रेंड इंट्राडे में मुझे पॉजिटिव लग रहा है एज ऑफ नाउ। हम बाय अबाव कर सकते हैं 73,000 का जो लेवल है, उसके ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो वहां पे हम बाय करें। स्टॉप लॉस हम 72,850 का रखें और टारगेट 73,200 का मेंटेन करके चले। और सिल्वर में भी बात हो, सिल्वर में भी हमें रिकवरी देखने मिली थी, एक सेवन बाइंग देखने उसके अंदर मिल सकती है, क्योंकि जो इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि रिटेलिएशन पॉसिबल है, तो जब तक जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है कम नहीं होता तब तक गोल्ड और सिल्वर जो एक दो दिन के लिए पॉजिटिव ही रहेंगे। तो सिल्वर भी हम बाय करके चल सकते हैं 83,400 के आसपास, स्टॉप लॉस हम 83,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 84,000 का मेंटेन करके चलें। तो चलिए आप तीनों के कॉल एक बार मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं, तीनों एक्सपर्ट्स के। जिगर त्रिवेदी जी की कॉल है, गोल्ड खरीदने की सलाह 72,800 पे, टारगेट है 73,000 का, 72,700 का स्टॉप लॉस है। दिव्या गगलानी की कॉल है, 73,000 के ऊपर खरीदे गोल्ड, 72,800 का स्टॉप लॉस, 73,200 का टारगेट है। और अजय जी की कॉल है, 72,600 पे खरीदारी की सलाह, 72,400 स्टॉप लॉस और टारगेट है 73,100। किरिया जी, आप चांदी पे आपकी राय क्या थी, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस आपने दिया है इंट्राडे के लिए? हालांकि ये सारे कॉल से ये ध्यान रखिएगा, ये पोजिशनल व्यू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा सारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। किरिया जी, चांदी का भी अपना लेवल्स बता दीजिए आज के लिए। देखिए, मैं जैसे पहले भी कहा था कि मार्केट में एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी हम देख रहे हैं। अगर ईरान अगर कोई भी एक्शन पैक लेता है तो डेफिनेटली एक जियो पोलिटिकल कंसर्न और बढ़ेगा जो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर दे। लेकिन अगर सपोज यूएस और ये सब मध्यस्थता कर रहे हैं कि ये एस्केलेशन नहीं बढ़े तो हम एक अच्छा करेक्शन भी देख सकते हैं। बट प्योरली इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है चांदी में 83,500 एक बेहतरीन लेवल रहेगा, वहां पे आप लेके चलिए। लेकिन अपसाइड वेरी लिमिटेड, जो 84,500 तक का लेवल दिखा सकता है, अनलेस एंड अंटिल बहुत ही ज्यादा अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठते हो तो बेटर है अवॉइड कीजिए। अदरवाइज 8400 तक का लेवल मैक्सिमम मुझे लगता है चांदी में हायर साइड को देखने मिल सकता है। तो ये टारगेट है 84,500 के टारगेट के लिए खरीदे। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल को लेकर खबर ये है कि वहाँ के जो मिलिट्री चीफ है इजराइल के, वो रिटेलिएटरी एक्शन की बातचीत कर रहे हैं, इससे वहाँ पर बाजार में चिंता है। हालांकि कल तक बात यह हो रही थी कि फेस सेविंग के तौर पर ईरान ने ये हमले किए, वहां पर किसी तरह की कैजुअलिटी, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन अब देखते हैं आगे किस तरह से चीजें बदलती है। जितने भी अलाइज हैं इजराइल के, वो भी इस पक्ष में नहीं है कि अब फिर से कोई नया तनाव बढ़े। इस वजह से बाजार को लग रहा है कि कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, इसलिए क्रूड भी शांत है। क्या लग रहा है केडिया जी आपको कच्चे तेल की चाल यहां से? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा बराबर है। कल हमने देखा था कि सैटरडे और संडे के बीच में अराउंड 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स हुए थे, लेकिन ईरान के जो आयरन डोम ने उसको पूरा इंटरसेप्ट किया और हार्डली बोला एक दो जो है वो नॉन इवेंटफुल ऐसा हुआ है, फेस ऑफ जैसे आपने बताया वो चीज हुई थी। लेकिन कल तो हमने इसकी वजह से पुल बैक देखा, लेकिन आज मार्केट वापस सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि अभी भी वी आर ऑन अ जंक्चर के कुछ एक्शन हुआ तो डेफिनेटली एस्केलेशन बढ़ेगा, नहीं हुआ तो फिर से नीचे। तो $90 जो हम लोग ब्रेंट में देख रहे हैं वो एक ऐसा लेवल है कि यहाँ से 10% अप या डाउन दोनों बाजू हो सकते हैं। ज्यादा करके हम देखते हैं जब इलेक्शन पीरियड होते हैं तो इस टाइप के एक्टिविटीज हम ग्लोबल मार्केट में देखते हैं। तो अनलेस एंड अंटिल 88 का लेवल अगर ब्रेंट नहीं तोड़ता है, मुझे लगता है कि 93-94 तक के भी लेवल देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल अब 7,000 का बन चुका है। तो अनलेस एंड अंटिल 7,000 के नीचे प्राइस नहीं जाते हैं, हम बोल सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बनेगा, बट वो डर की तेजी रहेगी। तो आज के लिए 7140 पे लीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7050 का रखिए, 70-80 तक का एक स्पाइक दे सकते हैं। आप बताइए जिगर, आपकी कॉल क्या है, कच्चे तेल पर क्या सलाह दे रहे हैं? मेरा भी यहाँ इंटरडे के लिए लॉन्ग जाना ही यहाँ पे हमारा एक रिकमेंडेशन है। एंड अगर मैं WTI की बात करूँ, $86 के आसपास चल रहा है, थोड़ी बहुत गुंजाइश है $2.5-3 की यहाँ रैली हो सकती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द एस्केलेशन ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। एंड अगर मैं कॉल की बात करूँ, अप्रैल बाय द करंट लेवल 71-70 के आसपास हम लॉन्ग कर सकते हैं, 71-40 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड 72-70 के टारगेट के लिए हमारे पे यहाँ लॉन्ग का ही रिकमेंडेशन। तो कॉल्स एक बार फिर से आपको दिखा देते स्क्रीन पे। केडिया जी ने खरीदारी की सलाह दी है 7140 पे, 7280 का टारगेट है। और जिगर की जो क्रूड की कॉल है ये भी बाई कॉल है, 7170 पे बाइंग,
7,270 के टारगेट के लिए फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में आप बताइए दिव्या, आपको क्या लग रहा है, ऑप्शंस में मौके हैं क्या क्रूड में आज? जी जरूर, क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो हमें सेम प्राइस एक्शन मिला देखने मिला जो कल गोल्ड और सिल्वर में देखा था हमने। लोअर लेवल पे करेक्शन आया था, उसके बाद हमें एक रिकवरी देखने मिली थी जो स्टेटमेंट आया था इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के बाद। तो एज ऑफ नाउ जियोपॉलिटिकल जो रिस्क चल रहा है तो उसके वजह क्रूड में भी बाइंग का मेरी सलाह रहेगी। और जो दूसरा जो फैक्टर है वो डिमांड साइड का, तो जो डेटा जो आ रहे हैं यूएस रिटेल से जो डेटा आए थे वो भी बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, तो प्राइसेस के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज है। तो क्रूड ऑयल जो का जो 7,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 150 के करीब अगर आते हैं तो वहाँ पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 120 का रखें और टारगेट ऊपर में 190 का मेंटेन करके चले। ओके, चलिए क्रूड के बाद बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में अच्छी रिकवरी आई है अगर आप शुरुआती कारोबार से देखें, एक साफ रैली के बाद आज शुरुआत में लग रहा था कि मुनाफा वसूली बढ़ सकती है, लेकिन जिंक यहाँ पर गिरावट आधी हो गई है, अब 243 के ऊपर आ चुका है। कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड, इन तीनों में तो अच्छी तेजी अब आ चुकी है, एल्यूमिनियम तो 0.5% ऊपर है। केडिया जी क्या पसंद है आपको, खबर भी है मेटल्स को लेकर जिस तरह से रसिया पे नए पाबंदी लग रही है, आगे किस तरह की चाल है, क्या ये तेजी जारी रहेगी और कुछ पसंद है आपको यहाँ पर? देखिए पसंद में डेफिनेटली कॉपर में हमने अच्छी खासी देखी, मैक्रो नंबर में भी हमने देखा है, जो टेंशन तो अपनी जगह पे है बट इम्पोर्टेंट है जो रिसेंटली हमने रशिया मेटल बैन के ऊपर जो अपडेट देखा है उसी की वजह से पूरी ही मार्केट में हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक आते हुए देख रहे हैं। तो आई थिंक जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है उसके ऊपर कंटिन्यू नजर रखनी चाहिए और पूरे बेस मेटल पैक में मुझे लगता है अभी भी जैसे कॉपर है बार बार हम देख रहे हैं 840 के करीब जा रहा है तो एक दायरा बना हुआ है, तो मुझे लगता है 832 पे बाय कीजिए, 827 का स्टॉप लॉस रखिए, 842 तक का टारगेट रहेगा। जिंक में भी हमने जैसे उम्मीद की थी मार्केट ने बहुत ही अच्छा स्पाइक किया था, टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट जरूर है बट मुझे लगता है 242 इज गुड टू बाय, 247 का टारगेट रहेगा। एंड लास्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में ध्यान रखिए अगर कोई भी एलएमई से नए अपडेट आते हैं रशियन मेटल को लेकर वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट अभी भी टेक्निकली स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम में काफी अच्छा है जहां पे 232 पे लिया जा सकता है, इमीडिएट टारगेट 236 है बट अगर ऐसे एस्केलेशन चलता रहेगा तो 250 तक के भी लेवल हम आने वाले दिनों में एल्यूमिनियम में देख पाएंगे। तो एल्यूमिनियम पसंद है आज इंट्राडे के लिए 236, पोजिशनली भी यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर और तेजी आ सक्री है। जिगर कहाँ पे दाव लगाएंगे आज मेटल्स में? मेरा भी यहाँ पे बेस मेटल्स पे सेम व्यू है। डॉलर इंडेक्स में वैसे तो रैली हो रही है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो कमोडिटीज में एक करेक्शन आना चाहिए था, लेकिन जो रशियन मेटल्स पे सैंक्शन की न्यूज है एंड आज सुबह जो चाइना के डेटा आए हैं, जीडीपी नंबर हैज कम क्वाइट ऑन अ हायर साइड एंड गवर्नमेंट का स्टेटमेंट भी है कि वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड विल अचीव 5.5 जीडीपी नंबर इन कमिंग मंथ्स, सो ये एक सेंटिमेंट पॉजिटिव करने वाली चीज है। एंड मुझे लग रहा है कॉपर एंड जिंक दोनों में यहाँ पे हमारा बाय रिकमेंडेशन है, कॉपर अप्रैल बाय अराउंड 832, 829 स्टॉप लॉस एंड 838 का यहाँ टारगेट लेके हम चल सकते हैं। जिंक की अगर मैं बात करूँ 242 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, 242 पे लॉन्ग करके चल सकते हैं, 240 स्टॉप लॉस एंड 246 इस टारगेट। तो ये बेस मेटल्स में आपकी कॉल होगी, देवे आप फटाफट से बता दीजिए मेटल्स में आपकी पसंद क्या है आज? बेस मेटल में मेरी जो फेवरेट पिक कॉपर के अंदर रहेगी, 831 के अराउंड बाय करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 827 का रखें और टारगेट ऊपर में 830 का मेंटेन करके चले। ओके, चलिए तो कॉपर देवा गगलानी को पसंद है 836 के टारगेट थे। एग्री मार्केट की, एग्री मार्केट में सबसे पहले बात जीरे की करेंगे क्योंकि यहां पर लगातार गिरावट दिख रही है। केडिया जी अगर जीरा अगर आपको खरीदना हो तो कहां पर आपको लग रहा है, किन लेवल्स पर, कितनी गिरावट के बाद आप खरीदेंगे? देखिए जिस ढंग से हम लोग सितंबर का हाई देखते हैं 65,000 और 65,000 से अब लगभग हम 21,500 तक पहुंच चुके हैं तो प्राइस तो बहुत अट्रैक्टिव हम देख भी रहे हैं कि फॉर्मल भी करंट लेवल पे अराइवल्स में थोड़ी थोड़ी कमी करके लेके आ रहा है। तो मुझे लगता है कि पहला चीज अभी वॉलिटिटी कम होने लग गई है, कंसर्ट होने लग गया है, क्रॉप साइज देखते हुए मार्केट में अब तक गिरावट थी बट मुझे लगता है 21,000-21,500 का जो रेंज है वो बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलिए, ऐसा नहीं कि आज आप बाय करेंगे वापस आपको 65,000 का भाव दिख जाएगा बट मुझे लगता है करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। हाँ मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न है उसके वजह से एक्सपोर्ट डिमांड एज ऑफ नाउ नहीं है बट ध्यान रखिए सीरिया तुर्की यहाँ पे जो हम प्रोडक्शन हमेशा देखते हैं इस बार कुछ वहां से सरप्राइज रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वॉर जोन में तब्दील हो चुका है मिडिल ईस्ट, तो यहाँ पे आप बाय कीजिए इंट्राडे में तो मुझे लगता है कि दो दिन के अंदर 21,900-22,000 का लेवल दिखा सकता है बट लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अट्रैक्टिव लेवल है 21,000-21,500 का। 21,000-21,500 के बीच में लॉन्ग टर्म तक के लिए भी खरीद सकते हैं और आज इंट्राडे के लिए भी खरीदने की सलाह है। धनिया और हल्दी पर आपकी क्या कॉल है केडिया जी? देखिए पूरे मसाले पैक के अंदर हम जीरे को छोड़कर दोनों
काफी अच्छे, क्योंकि जीरे में हम देख रहे हैं बम्पर क्रॉप थे, लेकिन अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में क्रॉप शॉर्टेजेस है, जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी मार्च से पहले पहले ही हमें 20,000 का लेवल छूते हुए देखा था। करंटली मुझे लगता है कि मार्केट में जो करेक्शन आना था वो हो चुका है, करंट लेवल से भी आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चलिए, 16.5-16 बहुत अच्छे लेवल्स हैं। इमीडिएट टारगेट तो 17,200 है, बट क्रॉप साइज को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए मुझे लगता है बैलेंस शीट इस बार डेफिसिट में जा सकती है, जिसके चलते आने वाले टाइम में और तेजी रहेगी, बट करंटली 17,200 के टारगेट के लिए लेके चलिए। वहीं धनी की अगर बात करें तो क्रॉप साइज अच्छी पर ड्रॉप है, लेकिन कैरियो स्टॉक अच्छा होने की वजह से ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं आ रही, बट 74-75 इज गुड टू बाय। स्लो एंड स्टडी मार्केट मूव करेगा, जहां पे 7400 पे लेके चलिए, 7300 का स्टॉप लॉस रखिए, 76-76.50 तक का लेवल अगले दो सेशन में देखने मिल जाएगा। ओके, ग्वार पर बताइए केडिया जी, क्या हो रहा है? ग्वार सीड, ग्वार गम एक अच्छी रिकवरी की कोशिश थी, उसके बाद फिर से अब वापस से दबाव दिख रहा है, क्या आगे फिर से तेजी कंटिन्यू होगी क्या ग्वार की? गवार में पिछले 3 महीनों में कोई फंडामेंटल में मेजर चेंजेस नहीं है, एक्सपोर्ट डिमांड स्लोली एंड स्टडी चल रही है। नो डाउट अभी हम देख रहे हैं कि जो एस्केलेशन चल रही है उसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर इलेक्शन के चलते हम देखते हैं कि जब भी एग्री कमोडिटी है ये, यहाँ पे हम कैश क्रंचेस फील करते हुए देखते हैं, क्योंकि अभी फिजिकल में कैश ट्रांजेक्शन थोड़े से कम रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक लैकलस्टर मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 51-52 के नीचे गवार सीट बिल्कुल होल्ड नहीं करेगा, ना ही 5600 के ऊपर होल्ड करेगा, तो दायरा बना रहेगा जहाँ 5450 पे लेना है, 5380 का स्टॉप लॉस रखना है, 5560 से 5600 का लेवल हम गवार सीट में देख पाएंगे। ऐसे ही गवार गम में भी कहा था कि 10,000 के नीचे प्राइसेस होल्ड नहीं करेंगे और हायर साइड पे 11200 के ऊपर सस्टेन भी नहीं करेगा, तो गवार गम में भी मुझे लगता है कि प्राइसेस स्लोली एंड स्टेडीली स्टडी रहेगा, जहां पे 10800 पे लेके चलिए, 10500 का स्टॉप लॉस रखिए, 11200 तक का इमीडिएट टारगेट हम देख पाएंगे। 200 के टारगेट के लिए ग्वार गम और ग्वार सीड भी यहां पर खरीदारी की सलाह केडिया जी की है। चलिए एक और अपडेट दे दे कि एमसीएक्स पर एफएनओ में रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिला है, 15 अप्रैल की ये डेटा है। फ्यूचर्स में 6.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सौदे हुए हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स में 315 कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सौदे हुए हैं। ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में 38 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में सौदे हुए, एफएनओ में कुल 45 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर देखने को मिले। एफएनओ में 2.92 लाख करोड़ का रोजाना टर्नओवर, एवरेज डेली टर्नओवर हो गया है और ऑप्शंस में 2.6 लाख करोड़ का रोजाना टर्नओवर। वहीं क्रूड ऑयल ऑप्शंस में भी रिकॉर्ड टर्नओवर जारी है, यहां पर भी 2.29 लाख करोड़ का रोजाना टर्नओवर है। तो लगातार इस तरह का ट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ये ट्रेड यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। चलिए तो ये एक अहम अपडेट था, लेकिन एक और अपडेट एग्री मार्केट से रिलेटेड है, वो कंज्यूमर के लिए बेहद ज़रूरी खबर है, वो है आलू को लेकर, क्योंकि आलू के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आप 10-15 दिनों में ही देखें तो 30-35% दाम बढ़ चुके हैं। रिटेल में जिस आलू के दाम 30 रुपये के नीचे करते थे, वो अब 40 रुपये के पार निकल चुके हैं रिटेल में दाम। होलसेल थोक में भी भाव 20 रुपये के ऊपर जा चुके हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं दाम? तो यहाँ पर खबर ये है कि यूपी और पश्चिम बंगाल में उत्पादन कम रहने की वजह से ये तेजी आई है, और ये उत्पादन इसलिए कम हुई थी कि जब जिस समय शुरुआत होती है, फसल लगती है नवंबर के महीने में, उस समय जो एक्सटेंडेड बेमौसम बारिश हुई थी उससे फसलों को नुकसान हुआ था, और अप्रैल में हार्वेस्टिंग के दौरान भी ये बारिश हुई, इससे भी फसलों को नुकसान हुआ है, इससे उत्पादन पर असर हुआ है। हालांकि उत्पादन की अगर आप देखें तो 2023-24 में 590 लाख टन उत्पादन का अनुमान है, जबकि इससे पहले वाले सीजन में 2022-23 में 601 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था। एक खबर ये भी आ रही कि कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा माल चला गया है, और जिस तरह की डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई थोड़ी कम है, उससे भी दाम बढ़ रहे हैं। और अगस्त तक, ऐसा दिल्ली के एक पोटैटो ट्रेडर ने मुझे बताया था, कि अगस्त से दाम फिर से कम होंगे। तो यह अपडेट पोटैटो को लेकर। लेकिन चलिए, मौसम विभाग का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद हमारी सहयोगी भव्या ने बातचीत की आईएमडी के डीजी मृत्युंजय मोहपात्रा साहब ने, मौसम को लेकर उन्होंने क्या कहा है, किस तरह का मानसून इस सीजन का रह सकता है, तमाम मुद्दों पर वो चर्चा सुन लेते हैं। हमारे साथ हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, जो कि डीजीएम है आईएमडी के, हम आपके साथ जुड़े हैं। तो आज आपने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट करी है साउथ वेस्ट मॉनसून की इंडिया में 2024, तो आप उस पर कोई लाइट शेड कर सकते हैं कि कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है इंडिया में? आज जो हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इशू किए हैं मॉनसून के बारे में, इसके हिसाब से कंट्रीज होल के लिए खुशखबरी है। नॉर्मली जितना बारिश होता है, इसका 106% इस बार बारिश होने का संभावना है, और पूरी देश में भी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा, लगभग सभी जगह में
एबव नॉर्मल टू नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि ओडिशा एडजेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में जैसे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख और एडजेंट हिमाचल उत्तराखंड में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले आईएमडी ने हीट वेव फोरकास्ट भी करी थी तो आगे कुछ दिनों में और कुछ महीनों में हीट वेव कैसे फोरकास्ट लग रही है? अभी ऑलरेडी एक स्पेल ऑफ हीट वेव हो चुका है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। अभी बिकॉज ऑफ द थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हीट वेव अभी एबेटेड है मगर टेम्परेचर आंध्र प्रदेश ओडिशा वगैरह में ईस्ट कोस्ट में इंक्रीज हो रहा है। अगले 5 दिन के अंदर वहाँ हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। और हम मॉनसून का ऑनसेट कब देख सकते हैं केरला में? मॉनसून यूजुअली फर्स्ट जून में केरल में सेट इन होता है। इस बार कब आएगा इसका जानकारी मिडिल ऑफ मई यानी 15 मई के आसपास जारी होगा। ओके, तो आपने मॉनसून का अनुमान सुना आईएमडी के डीजी से कि इस साल शानदार बारिश की संभावना बन रही है 106% बारिश की उम्मीद लग रही है। चलिए नॉन एग्री मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर बातचीत नहीं हो पाई थी वो है नेचुरल गैस। जिगर फटाफट से बता दीजिए एनजी में आपकी राय क्या है? जिगर आपसे हाँ, सवाल करेक्ट करेक्ट। नेचुरल गैस में हमने बहुत दिनों से एक शार्प फॉल देखा है एंड मुझे लग रहा है 140 के आसपास यहाँ मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। इंट्राडे में अगर कॉल लेनी है वन कैन गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स ओनली 140 के आसपास 135 का स्टॉप लॉस एंड 150 का टारगेट। ऑप्शंस में अगर खेलना है 140 के आसपास जो 23 अप्रैल के जो कॉल ऑप्शन है वन कैन गो लॉन्ग इन दैट एंड अराउंड 6 रुपए के आसपास वो ऑप्शन शुड गो लॉन्ग। 3 का स्टॉप लॉस है 12 रुपए का टारगेट है यहाँ पे। ओके, तो आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के जरिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह 140 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं। दिव्य आपकी कॉल क्या है कॉल बता दीजिएगा सर। लगातार एक डाउनफॉल देखने मिला है। मेन रीजन है कि जो फोरकास्ट है वो वार्म है साउथर्न और ईस्टर्न यूएसए में। 140 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है प्राइसेस के लिए। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो हमें और भी फॉल देखने मिल सकता है। तो 140 का जो पुट ऑप्शन है वो हम 5.5 के अबव बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 3 का रखें और टारगेट ऊपर में 8.5 का मेंटेन करें। ओके, शुक्रिया दिव्या आपका, जिगर आपका, किरिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही।